किसान भैया खेत से उपजा बरौरे टाका हजार, किसान भैया खेत से उपजा बरौरे टाका हजार, ज्ञान बढ़ाए के हुनर सीख के, ज्ञान बढ़ाए के हुनर सीख के जब बन जब होशियार, किसान भैया खेत से उपजा बरौरे टाका हजार। पानी कैसे रोकब जानू कैसे ऋण पावब, कैसे केचुआ खाद बनी पावब जब जा सुधरेगा तो चलो और कहीं खेत में चलो चारों बार काटने लावा, चलो देखा खेत में चलो वहीं चलो धर दो धरो धरो फटाफट वो ढोरे में छोड़ दिया वहीं भूखे अच्छे ढोर है हमारी रात। चलो अरुण तुम्हें घर रहिए, हाँ हाँ हम खेत में जाए रात हाँ। चलो नौ से तू चारों मारो काटी ढोरने का वाटा है न भैसे के चारों ना हाकी है ना यहाँ मेरे से काट लीजिए ना सेवा से तू चारों मारो काट हाँ जरा कपास में फिर देखी लो हैं हो यहाँ लगा देख लो तू काट वाला भारो कर जल्दी है किसान भैया खेत से उपजा बरौरे टाका हजार, किसान भैया खेत से उपजा बरौरे टाका हजार। अरे नौसे अरे ये जंतु कहाँ का पड़े से कपास देखना आओ तो देखते ये नया जंतु दिखाई मगर ये देखे लारी बंद लगे चाहिए हाँ सर बच्चे तो मगर समझ में नहीं आ रही बात कही चाहिए हाँ एक ऐसे पहले खेत में कभी देखने में आयो नहीं अत्ता साल हुई आज तक नहीं पहली बार देखने में आयो मैं कही हो कही कई साल हुई गात कही कपास लगा तो कई साल हो चुके तो ये पहली बार इन्हें साल जरा देखने में आयो था अपन का ये डगड़ा का मुड़ीन वहाँ कहीं चौपाल पर बैठे दो चार जन डायला डायला कही उनको पता उनको मालूम हो गए दवा कही कई जानवर चो कही तो अपन का तो जानकारी नहीं हुई उनका हम बताऊंगा तो वो कहेगा उसको हम काम करूँगा फिर कही उनको पूछो भाई दादा उन्होंने का ही काम का ही कहाँ की बीमारी छे कही हमको समझ में नहीं आई रही कही तुम बताओ जाने कहूँगा उनको पूछूंगा हूँ है ना तू तू चारों काटो है ना जब तू चारों काटो हम आई रो पचो फिर काई काई कहे तो वो कही कही समस्या बताओ दोस्तों तुमको तुम कहीं बताऊंगा ना हम जाऊँगा फिर कही है ना हाँ ठीक जाओ चारों काट करो भाई उन्होंने तुम बैठे अरे यार ये खेत में हूँ गए थो ये नया नए का जंतु पड़े जी का तुम पहचान में आओ तो कई मगर नजर आई का पास में एकदम झाड़ना पर आई गई कई हाँ ये या मगर अरे नहीं समझ तुमको समझ में आओ तो कई नहीं अभी तक हैं तक नहीं देखी यार ये पहली बार मैंने देखे चाहिए हाँ हम भी नहीं देखे यार हाँ चासो करा तो ये कि इलाज काई करनो अरे वो कृषि विभाग में गरम सेव ना आओ नहीं हैं तो राजपुर ब्लाक में हम कृषि विभाग में ले जाओ बाबू जी पास ले जा दो है थोड़ा बाबू जी कहो बाबू जी बीमारी कहाँ क्या है हमको समझ में नहीं आ रही कही कही तो वो बताओगे मैं कई भाषा बताओगे कही कि भाई ये ऐसी बीमारी छे ये ऐसी बीमारी छे ऐसा बताओगे कही तो हम तुमको आइन बताऊंगा थोड़ी है ना कहीं दवाई देगा लेकिन उनको उनकी कृषि विभाग का वो जानकारी तो बताओगे बाबू जी जब आपको समझ में आओ नहीं तो आपको समझ में नहीं आती है कही तो हम जाए रहो हाँ हाँ राजपुर कृषि विभाग में जाऊंगा ग्राम सेवक कहूंगा बाबू जी ये काई बीमारी काई छे
भैया खेत से उपजाव रे काका हजार ज्ञान बढ़ाए के पुनरा सीख के ज्ञान बढ़ाए के पुनरा सीख के जब बन जाब होशियार किसान भैया खेत से उपजाव रे काका हजार राम भाई राम राम काई हाल चाल से कहाँ से आए भाई अच्छा अच्छा सर हाँ जी जो मेरे कपास में ये सफेद सफेद बीमारी है सर नया कीड़ा है हाँ तो हमें समझ में नहीं आया वहाँ पे अच्छा तो गांव वाले में चौपाल पे बैठे थे गांव वाले उनका पास भी ले जाए उसको दिखलाया है अच्छा अच्छा तो बोले वो भी बोल रहे मेरे को गुजुर्ग लोग थे तो बोले कि यार ये तो नई बीमारी है ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रही फिर तो मैंने बोला कि सर गाँव वाले बोले दादा मैं राजपुर में जाता थोड़ा अधिकारी के पास में अच्छा बहुत बढ़िया हाँ तो आपको थोड़ा समझाएंगे वो विभाग के अधिकारी है वो हाँ, तो उनको थोड़ी बात समझ में आ जाएगी तो आप बता इस तरह से आपको दवा छिड़केंगे फिर बाद में बहुत सही जगह आप आए तो ठीक है सर इसको मेरे को थोड़ा बताना जानकारी आपका नाम क्या है मेरा नाम अमर सिंह डावर है सर अमर सिंह डावर कहाँ रहते हो दानोद दानोद रहते हो जी सर अच्छा ये आपके खेत में ऐसा दिखा और गांव में लोगों को बताया लोगों ने समझ में नहीं आया नहीं तो आप यहाँ चले आए बहुत सही जगह आए हैं और हम कृषि विभाग वाले यही काम करते हैं कि खेती में अपनी फसल में किसान की कोई समस्या हो तो हमारे पास आए इसीलिए तो ये कृषि विभाग का ऑफिस बना है हम अधिकारी कर्मचारी यही काम करते हैं आप बहुत सही जगह आ गए भैया अमर सिंह भाई अब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा जो एक तरह की जो सफेद सफेद अपने को दिखाई दे रहा है ना ये एक तरह का कीड़ा है और ये नया कीड़ा आया है और इस कीड़े का नाम है कोई भी पूछे तो बताना मिली बग सफेद कीड़ा मिली बग के रूप में नया आया है और हमारी फसल के लिए बहुत खतरनाक है और ये क्या करता है कि ये सीधे बच्चे पैदा करता है रात दिन बच्चे पैदा करता है और पूरे पौधे पर पूरे क्षेत्र में ये बहुत जल्दी फैल जाता है तो जैसे अपने खेत में ऐसे सफेद सफेद ये कीड़े दिखे है ना इसका गुच्छा दिखे तो तत्काल हमको इसका इलाज करना चाहिए। इसका इलाज ये है कि अपने को एक तो पहले से कि अपन फसल बोएंगे क्योंकि इसके जो हैं पहले से ही अपने खेत के आसपास इसके कुछ अंश रहते हैं वो अपनी फसल के आसपास जैसे गाजर घास है ना और कहीं से भी ऐसे पौधे दिखे खास करके गुड़हल का पौधा है ऐसे पौधों पर ये जीवित रहता है दिखता नहीं है और जब बद्दल होते हैं मौसम परिवर्तन होता है मौसम में नमी आती है तो एक साथ ये बच्चे पैदा करके पूरे अपने खेत को अपनी फसल को नुकसान करते हैं। इसलिए क्या करना अपने खेत के आसपास की मेड़ के आसपास के जो भी पौधे इसके हैं गाजर घास से लगाकर उनको पहले नष्ट करके उनको मिट्टी में खेत में कहीं भी गाड़ देना चाहिए इसको जला देना चाहिए ताकि बीमारी बिल्कुल समाप्त हो जाए। अपन इसको जो है ना अपन पहले से ही अब अपने को सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ये बीमारी तो अपने क्षेत्र में अब आ गई है और कब आ जाए इसका कोई ठीक नहीं तो अपन ने तो अपनी फसल बोए ना उसके पहले ही गर्मी में ही अपने खेत में इस मिली बग के रोकथाम के लिए पहले ही अपन ट्रीटमेंट कर लें अपनी जमीन को उपचार कर लें अपने खेत को आसपास मेड़ों को उपचार कर लें क्यों कि ये जो है ना गर्मी में मेड़ों के पास जो ठंडक रहती है वहाँ छुपे रहते हैं दिखाई नहीं देते हैं वहाँ क्योंकि वहाँ मेड़ के ऊपर नमी रहती है और जैसे ही बरसात आने का समय रहता है उसके पहले ठंडी हवा चली कि ये अपना काम शुरू कर देते हैं तो अपन ने क्या करना कि बोनी के पहले ही अपने खेत में मेड़ के आसपास और खेत में नीम का तेल छिड़ देना चाहिए पहले से हाँ बोनी के पहले नीम का तेल तो एक पंप पर जो है ना अपन 70 ml नीम का तेल मिला करके मेड़ पर और पूरे खेत में हम छिड़ देंगे तो वहां पर उसके जो बच्चे हैं या उनका जो भी कॉलोनी है वो पहले से मर जाएगी नहीं तो क्या होगा और इसमें क्या होगा कि मरेंगे या नहीं भी मरेंगे।
तो फिर बाद में ये बांझ हो जाएंगे और बच्चे फिर नहीं पैदा होंगे। दूसरा, नीम का तेल इतना बढ़िया हमारी किसान के लिए, खेती के लिए है कि उसमें कड़वाहट आता है, तो हमारी जमीन में और मेड़ पे कड़वाहट आ जाएगी। हाँ। तो ये फिर हमारी फसल में और इसमें नुकसान नहीं करेगा और वो इस दवाई के असर से वहीं के वहीं मर जाएगा। हाँ भैया, ये नीम का तेल कहाँ मिलेगा सर? अरे नीम का तेल तो जो है ना, वैसे तो बाजार में भी मिल जाएगा पर बहुत महंगा मिलेगा और वो तेल है तो घुलेगा नहीं। इसलिए नीम के तेल से बनी हुई नीम तेल की दवाई हमारे कृषि विभाग में सरकार की ओर से किसानों को अनुदान पर दी जाती है, 50% छूट में दी जाती है। हाँ, तो आप तो आपके जो ग्राम सेवक बाबूजी हैं और हमारा कृषि विभाग है, आप इसमें और भी किसान भाइयों को कहना और आप तो अभी ले जाना हमारे से। अच्छा, अच्छा, और अभी तत्काल अपने घर रख लेना, जब भी जरूरत पड़े तब आपके खेत में उपयोग कर लेना। अच्छा, और ये जो है ना, नीम का तेल एक दवाई के रूप में रहेगा जो आपके पंप में घुल जाएगा और स्प्रे करने में आपकी नोजल को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो सर, हाँ, तो इसको कोई मिलाना नहीं पड़ेगा, कहीं मिलाना पड़ेगा? अब इसमें अपन चाहें तो इसको और अपन अच्छा घोल बनाने के लिए नीम के तेल के साथ में जो अपना कपड़े धोने का जो पाउडर आता है ना, वो पाउडर अपन एक पंप पर 2 चम्मच यदि डाल दें तो, क्योंकि तेल है ना, तो अच्छी तरह से घुल जाएगा और जिस अपन जहाँ पर भी छिटेंगे वहाँ पर भी उसका असर अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अच्छा। तो अपन नीम के तेल के साथ में ज्यादा ज्यादा ये पाउडर 2 चम्मच अपन ले सकते हैं। अच्छा, अच्छा। तो एक तो ये सब किसान भाइयों को दे देना। अब ये तो हुआ कि अपन फसल बोने के पहले अपने को ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। जी, जी। अब अपनी फसल पर ये बीमारी आ गई है, दिखाई दे रही है, तो अब अपने को क्या करना है कि अब अपनी फसल में यदि कहीं कहीं अपने को ऐसी बीमारी ये लक्षण दिखे, सफेद सफेद दिखे, तो सबसे पहला काम तो ये करना कि जहाँ पर दिखे वहाँ की शाखा को ऐसे तोड़ करके अलग कर लो। अच्छा, जितनी जगह ऐसा सफेद सफेद दिखे वो सब शाखाओं को तोड़ करके इसको गड्ढे में डाल दो, ऊपर से मिट्टी डाल दो, नहीं तो इसको जला करके खत्म कर दो। अच्छा, सबसे पहला जहाँ कम दिखाई दे कहीं कहीं, तो इससे फिर आगे नहीं बढ़ेगी। शुरू में, शुरू में जब दिखाई दे, कहीं कहीं दिखाई दे, ऐसी डंठल तोड़ के उसको जला दो या मिट्टी में गाड़ दो। अच्छा, अच्छा। अब यदि थोड़ा इससे भी अपने को लगे कि नहीं जरा ज्यादा बढ़ रही है और ज्यादा और आ गई है, क्या करेंगे कि रामबाण चीज है नीम का तेल। अच्छा, सबसे बढ़िया नीम का तेल पहले छिटा था ना, अब फिर और ऐसे ही एक पंप पर अपन 70 ml नीम का तेल, 2 चम्मच अपना ये पाउडर कपड़े धोने का, एक पंप मिला करके अपन छीट देंगे तो इसके ऊपर ऐसा असर होगा कि फिर ये बढ़ नहीं पाएगी। अच्छा, अच्छा। है नहीं? और रुक जाएगी और इससे अपना कंट्रोल हो गया जी। पर मान लियो कि मौसम ने साथ दिया और बदल हो गए, दवाई का असर कम हुआ और ये बढ़ गई, यदि ज्यादा बढ़ जाए नहीं तो फिर इसका एक और अच्छा उपाय है। कीड़ा एक ऐसा सफेद है, इसके शरीर पर मोम जैसा सफेद सफेद रहता है। अच्छा, दिख रहा है ना? हाँ। मोम जैसा। हाँ। एक मोम क्या रहता है कि उस पर किसी चीज का असर नहीं होता। हाँ। न दवाई का असर होता, न कहीं पानी का असर होता। हाँ। और ये सुरक्षित रहता है और उसके अंदर इसके बहुत सारे कीड़े बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले हमको इलाज ये करना है कि मोम जैसा होने के नाते इसकी पपड़ी को, मोम को तोड़ना है। अच्छा, मोम की पपड़ी टूट जाएगी, उसके अंदर के जो कीड़े हैं वो फिर मरेंगे, नहीं तो दवाई छिटा करो, इसके अंदर दवाई जाती नहीं है। अपन ये करें कि पहले तो उसके ऊपर जो मोम जैसा है उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि दवाई का असर नहीं होता, वो टूट जाएगा तो अंदर जो बच्चे हैं वो फिर असर होगा। तो मोम को तोड़ने के लिए ये कपड़े धोने का जो पाउडर आता है, सर्फ आता है, वो एक पंप पर 2 चम्मच लेकर के हम छीटेंगे तो ऊपर की मोम की पपड़ी टूट जाएगी और फिर उसके साथ में अपन जो नीम का तेल लेंगे 70 ml पंप पर, तो वो आपका पाउडर और नीम का तेल दोनों मिलकर के पपड़ी को तोड़ करके अंदर ये कड़वाहट घुस जाएगी और अंदर के बच्चे मर जाएंगे। अच्छा। एक तो ये अपना जैविक तरीका हुआ। दूसरा जैविक तरीका ये है कि बेवेरिया बेसियाना नाम की दवाई आती है जैविक,
जो हमारे यहाँ आधी कीमत पर ही मिलती है, अच्छा, है ना। तो उसको आपको 70 ml ये भी एक पंप पर, और अपने को पाउडर जो है ना कपड़े धोने का, तो हर पंप में लेना है, क्योंकि वही उसको कपड़े को हर बार तोड़ेगा। और ये जो अपन ले लेंगे तो इससे बेवेरिया बेसियाना 70 ml और पाउडर आए तो 50 ग्राम से काम चल जाएगा। ये तो जैविक तरीका हुआ एक। और ज्यादा अपने को लगे कि यार अभी समय मौसम ज्यादा गड़बड़ है, तो जैविक के बजाय रासायनिक का कहीं उपयोग हो जाए, जल्दी अच्छा रिजल्ट मिल जाए, तो वो दवाई भी हमारे विभाग में अनुदान पर मिलती है। वो है दो तरह की इसके लिए है, एक तो क्लोरोपाइरीफास या प्रोफेनोफास, ये दो में से जो भी हमारे पास होगी हम आपको दे देंगे। ये 40 ml एक पंप पर डाल करके छीट देंगे, दो में से एक क्लोरोपाइरीफास या प्रोफेनोफास, 40 ml एक पंप पर। और यदि अपन दोनों को मिलाकर छीटना चाहें, है ना, तो क्लोरोपाइरीफास 30 ml और प्रोफेनोफास 30 ml दोनों को मिला करके भी अपन छीटेंगे और अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं तो कहूंगा कि दोनों को मिलाओ ना, अपने को तो अच्छा और ज्यादा रिजल्ट चाहिए, तो दोनों मिला करके अपन छीट देंगे तो अपनी ये जो बीमारी आई है फसल पर, जो कीड़े दिखाई दे रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे और हमारी फसल बच जाएगी। हाँ, सामान कौन कौन सा? अच्छा, सामान, हाँ, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया प्रश्न किया। तो पंप चाहिए, अच्छा, है ना, पंप अच्छे वाला होना। आजकल वो डबल प्रेशर का चला है ना, जब कम हवा देंगे तो प्रेशर अच्छा पड़ेगा, तो एक पंप अच्छी नोजल वाला होना, अच्छा फुवारा दे। अब इसमें अपने को यदि कम बीमारी है तो सिर्फ नीम के तेल से काम चल जाएगा। अच्छा। 70 ml एक पंप पर नीम का तेल अपन छीट देंगे नी, तो अपना काम हो जाएगा, बीमारी खत्म हो जाएगी। अच्छा। पर ज्यादा बीमारी आ जाए तो फिर अपने को नीम के तेल के साथ में फिर कपड़े धोने का पाउडर भी मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा को पहले हम उसके पपड़ी को तोड़ेंगे न, फिर दवाई का असर उस पर जाएगा। अच्छा। तो फिर अपने को वहां पर जो है पाउडर भी, कपड़े धोने का पाउडर लेना पड़ेगा। और इससे भी यदि नहीं होगा तो फिर अपन रासायनिक दवाई क्लोरोपाइरीफास है नी और प्रोफेनोफास ये भी अपन लेंगे। अब अपने पास ये सामग्री तो आ गई, अब अपन ने एक पंप पर तो अपन ने इतना डाल दिया, लेकिन अपने को एक एकड़ में कितना लगेगा ये भी होना ना, क्योंकि उस हिसाब से अपन छीटेंगे। तो एक एकड़ यदि आपकी हमारी जमीन है तो एक एकड़ में 10 से 12 पंप लगेंगे, मतलब एक कोठी घोल 200 लीटर का घोल जो है 10 से 12 पंप का बनता है। तो 10 से 12 पंप जो है वो लगभग 700 से 800 ml प्रति एकड़ जो है अपने को दवाई लगी, है ना। एक पंप पर 70 तो 10 पर 70 700 है नी, और दो थोड़ी लगी तो 800, तो अपने को नीम तेल जो लगेगा 700 से 800 लगेगा, है नी। और यदि ये प्रोफेनोफास लगेगी तो 400 से 500 ml लगेगी, है ना। तो ये दवाई अपने पास होना और ये साधन होना, तो अपन अच्छे तरीके से अपनी खेती को बचा सकते। अमर सिंह भाई, बहुत सारी बात हो गई अपनी, पर अब एक काम करो कि अपने को इस बीमारी से, इस कीट से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। और यदि हम सावधान हैं, सावधानी रखेंगे और सही समय पर हम इसको पहचान लेंगे, तो फिर हमारा रोकथाम बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा। तो सावधानी के लिए क्या करें कि हमारी फसल में हम रोज बारीकी से ध्यान रखें कि ऐसा सफेद जैसा तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, खास करके मिलीबग के लिए, है ना। तो यदि आप सावधान रखेंगे तो फिर आपको मालूम पड़ जाएगा, और आप पहचान लेंगे यदि सही समय पर, है ना, कि जरा सा भी उसका असर दिखा और आपने पहचान लिया तो आप तुरंत उसका सही तरीके से उपचार कर लेंगे। अच्छा। है ना, और कंट्रोल हो जाएगा, ये सावधानी है इसमें। और इससे क्या होगा कि आप समय समय पर खेत में निरीक्षण करते रहेंगे तो आपको दवाई बहुत कम लगेगी, और थोड़ी सी दवाई में अपना शुरू में ही कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा। एक तो ये फायदा है, दूसरा ये है कि अपन
ये दुकानों की और महंगी दवाई के बजाय अपने विभाग की आधी कीमत की दवाई ले करके, खास करके नीम तेल आपको मिल जाएगा, बेवेरिया बेसियाना मिल जाएगा, जैविक दवाई हमारे पास मिलेगी, इससे आपको कम से कम लागत में ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो आप नीम तेल का अवश्य उपयोग करना, क्योंकि ये सस्ता भी है और अच्छा भी है, और ये कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, ये अपने को सरकार की ओर से कृषि विभाग में ही ये मिल पाएगा। और ये नीम तेल क्या है कि ये नुकसान नहीं करता, वातावरण को भी खराब नहीं करता, जमीन को खराब नहीं, पानी को खराब नहीं, है ना, ये इसके फायदे हैं कि नीम तेल छिड़कने से कोई नुकसान दूसरा नहीं है और अपनी फसल बच जाती है। और तो और इस नीम तेल के उपयोग करने से और दूसरी बीमारी आने वाली हो, सवाल मिली बगने, क्योंकि ये कड़वाहट पैदा करता है, दूसरी बीमारी भी नहीं आने, कहीं इडली भी आना होगी ना तो कड़वा, उसको स्वाद अच्छा थोड़ी लगता है, बीमारी कोई मोह मच्छर भी नहीं आएगा। और इससे क्या होगा कि नीम तेल का उपयोग कर लेने से फसल की बढ़वार हो जाएगी, पैदावार अच्छी हो जाएगी और बीमारी से किसान की फसल बच जाएगी। सर हाँ भाई, आपने जो हमारे गाँव में सब लोगों ने पूछा था मैंने, तो कोई समझ बात ही नहीं आई मेरे को, तो आपके पास आने से मुझे बहुत जानकारी प्राप्त हुई। अच्छा क्या, तो आपको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने जो धन्यवाद दिया है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा कर्तव्य है, यही हमारी ड्यूटी है। और मैं कृषि विभाग में माधव पाटीदार मुझे कहते हैं, और मैं कृषि विभाग राजपुर विकास खंड में कार्यरत हूँ, और पूरे विकास खंड की खेती संबंधी कोई बात आती है तो मेरे से जो भी बन पाता है मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ करके उनके खेत में जा करके समझाता रहता हूँ। और आप लोग सभी किसान भाई आज हमारे पास आए, हमको बहुत अच्छा लगा, और हमसे जो कुछ भी बन पड़ा वो आपको हमने बताया है, और इससे आपको, आपके क्षेत्र को और भी किसान भाइयों को फायदा मिले, और बार बार हमसे संपर्क करते रहें। किसान भाइयों, अभी तो मैंने अमर सिंह भाई को उनकी जो बात थी, उनकी समस्या थी, उसको मैंने समझ करके अमर सिंह भाई को तो समझा दिया, उनको समझ में भी आ गया है, पर मैं तो ये चाहता हूँ कि अमर सिंह भाई जैसे किसानों की समस्या हर किसान की क्षेत्र में होती है, तो मैं तो सभी किसान भाइयों से ये अपेक्षा करता हूँ कि जो अमर सिंह भाई को मैंने मिली बग के बारे में जो बताया, उसकी सावधानियाँ बताइए, और उसके जो उपाय बताए हैं, और उससे उसकी फसल यदि बच जाती है, और आपकी भी ऐसी समस्या है, आपने जो कुछ भी अमर सिंह भाई को मैंने बताया आपने भी ध्यानपूर्वक सुना होगा, और आप भी जो बताई गई बात है उसको अपने खेत में अपना लेना, क्योंकि आज भले नहीं दिख रही है मिलीबग आपके खेत में, पर खतरा है, आ सकती है, आप पहले से सावधान हो जाना। और जो मैंने अमर सिंह भाई को बताया कि नीम का तेल छींटें आप, कपड़े धोने का पाउडर मिलाकर छींटें, और प्रोपेनोफास छींटें, ये छींटेंगे तो आने वाला यदि मिलीबग है तो वो पहले से ही समाप्त हो जाएगा। तो ये अमर सिंह भाई को जो कुछ भी बताया, आप सभी किसान भाई भी ऐसा ही करना, और इस प्रकार की कोई भी बात हो तो आप किसान भाई अमर सिंह भाई जैसे आप भी मिलकर के हमारे पास आना, यही हमारा उद्देश्य है। आप सभी आए, और आप सभी किसान भाइयों को भी अब सामूहिक सलाह दी जा रही है कि ये बात अपने गांव में भी और लोगों को बताना, ताकि अधिक से अधिक लोग इस समस्या से पहले से ही बच जाए, और हमारे विभाग का जो कर्तव्य है वो भी पूरा हो जाए। आपने आ करके हमें जो सहयोग दिया, इसके लिए सभी किसान भाइयों को पुनः हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए धन्यवाद दिया जा रहा है, और पुनः पधारेंगे और हमारी सेवा का लाभ लेते रहेंगे। और आना किसान भाइयों, और मिलते रहना, और हम भी चाहते हैं कि आपके यहाँ हम भी आएंगे और मिलेंगे। आप सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम, पुनः पधारें।
झारखंडक खेत में दल तेलन बऊ भाई, झारखंडक खेत में दल तेलन बऊ भाई, फल फूल खेती से लक्ष्मिया बेकरी भाई, साग सब्जी खूब उगाऊ, साग सब्जी खूब उगाऊ, मछली पालन करू भाई, घर रखू गाय घरू धनिया भी सौ हजार, इंटरनेट से बाव देखी बेचू कलकत्ता पार, किसान भैया खेत से उपजा बरौरे टाका हजार, ज्ञान बढ़ाए के हुनर सीख के, ज्ञान बढ़ाए के हुनर सीख के, जब बन जब होशियार, किसान भैया खेत से उपजा बरौरे टाका हजार।